हाँ, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पनीर पकोड़ा। इसमें मैंने मेयोनीज का भी यूज़ किया जिससे ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिए और यदि आपको इसकी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पनीर ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए मैंने लिए हैं एक छोटी सी प्याज बारीक कटी हुई, आधा कप कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप या आधा टमाटर, दो चम्मच मेयोनीज, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसके लिए हमने पनीर लिया है। पनीर मैंने 100 ग्राम लिया है। ये चार ब्रेड स्लाइस। सबसे पहले हम पनीर को मैश कर लेंगे। मैश भी कर सकते हैं आप या फिर इसको छोटे बारीक उसमें काट भी सकते हैं, बारीक बारीक पीसेस में। पनीर के पीसेस को मैश करके इसमें फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। ये देखिए प्याज, कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर सब इसमें डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा डालेंगे, यदि आपके यहाँ छोटे बच्चे हों तो लाल मिर्च पाउडर कम डालें। काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा लिया है मैंने और ये मेयोनीज। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉल्ट हम, क्योंकि मेयोनीज में भी सॉल्ट रहता है इसलिए हम सॉल्ट थोड़ा कम डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पेस्ट जैसे बनाएंगे। ये देखिए ब्रेड स्लाइस में लगाने के लिए हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। हमारा पनीर का पीस रेडी है। अब आइए हम लेते हैं ब्रेड स्लाइस। मैंने चार ब्रेड स्लाइस लिए, पहले मैं दो के ब्रेड स्लाइस के पीसेस करूंगी। पनीर के स्टफिंग को हम ब्रेड स्लाइस में स्पून से अच्छी तरह से लगाएंगे। ये देखिए अब ये दूसरी जो स्लाइस है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और इसको प्रेस कर देंगे। अब हम ये सैंडविच को चार पीसेस में काटेंगे क्योंकि हमको इसको ब्रेड पकोड़ा बनाना है। तो ब्रेड पकोड़ा में इतना बड़ा सैंडविच ब्रेड पकोड़ा बनाने में हमको तलने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इसको चार पीसेस में छोटा करेंगे। इस तरह से ये देखिए मेरे दो बड़ी ब्रेड स्लाइस से ये चार पनीर पकौड़े के लिए तैयार हो गए। अब आइए हम बेसन का पेस्ट बनाते हैं। बेसन का पेस्ट बनाने के लिए हमने एक कप करीब बेसन लिया है। इसको हम एक बाउल में लेंगे और इसको थोड़ा पानी डाल के इसका मीडियम कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए अभी ये काफी थिक है, इसमें मैं और पानी डालूंगी। अच्छे से हमको मिक्स करना है जिससे इसमें लम्प्स ना रहें और ये एक सी कंसिस्टेंसी वाला अच्छा सा पेस्ट बन जाए।
अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा है, इसमें मैं थोड़ा और पानी डालूंगी। ये देखिए बेसन की कंसिस्टेंसी इस तरह का फ्लो हो जाए, इजीली फ्लो हो, ऐसा रखना है हमको। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, सॉल्ट, थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, मैंने 1/4 स्पून से भी थोड़ा कम ही डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा बेसन का पेस्ट रेडी है। अब हम तेल कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा तेल गरम हो गया, इसको हम इस तरफ से चेक करेंगे। ये देखिए यदि ये एकदम अच्छे से ऊपर आ जाती है बेसन की, मतलब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। ये देखिए मैं इसमें बेसन में इसको डिप कर रही हूँ, उसको अच्छी तरह से कोट कर लेके और इसको इसमें गर्म तेल में हम धीरे से डालेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पकौड़ा भी इसमें सैंडविच को इसमें डिप करेंगे और अच्छे से इसमें डालेंगे। इसके ऊपर ऊपर हम थोड़ा तेल डालते जाएंगे जिससे कि ये अच्छे से दोनों तरफ से सिके, गरम तेल इसमें डाल। अब हम इसको धीरे से पलट देंगे कि हमें को इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है, तलना है, दोनों तरफ से इसको फ्राई करना है। ये देखिए अभी मीडियम है, अभी मैं बीच में थोड़ा तेज कर रही हूँ फ्लेम को जिससे कि ये अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। हम इसको सभी तरफ से दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में तल लेंगे और उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। फ्लेम को धीमी, बहुत बहुत धीमी नहीं रखना है, मीडियम या हाई पे ही इसको आप तलेंगे जिससे कि ये अच्छे क्रिस्पी निकलेंगे। हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला है इसके लिए काफ़ी क्रिस्पी आएंगे। इसका कलर अच्छा हो गया है। इसको प्लेट में निकाल पनीर ब्रेड पकौड़ा कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए बेसन में डिप करके मैं इसको डाल रही हूँ। ये देखिए इसका भी कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन आ गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी।
ये देखिए हमारा रेड पनीर पकोड़ा तैयार है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर, टेम्पटिंग। इसको हम सॉस या यदि आप टमाटर की चटनी बनाना चाहें तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं।